जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। गाइस, 8 बज चुका है। जो भी बच्चे ऑनलाइन आ गए तो प्लीज मैसेज कर दीजिए, जिससे कि हम लोग अपना लाइव टेस्ट स्टार्ट कर सकें। तो आज के इस लाइव टेस्ट में हम लोग CRPF पैरामेडिकल स्टाफ इंडियन आर्मी के लिए मॉक टेस्ट नंबर 10 सॉल्व करेंगे। इस मॉक टेस्ट में सामान्य हिंदी के 40 क्वेश्चन को कवर किया गया है। इन 40 क्वेश्चन में यदि आपने 30 क्वेश्चन के सही जवाब दिए, तभी आप इस टेस्ट में सफल घोषित किए जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। जिन बच्चों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, तुरंत ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, क्योंकि मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ 1 लाइक की उम्मीद करता हूं, बाकी मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं मांगता हूं। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि कवित्री का संशोधित रूप क्या है। सभी लोग आंसर बताते चलेगा। कवित्री का संशोधित रूप होगा कवियत्री। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तत्धन संकर की संधि क्या होगी। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है गाइस कि समास कहते हैं शब्दों के मेल को, अक्षर के मेल को, स्वर के साथ स्वर के मेल को, स्वर के साथ व्यंजन के मेल को। बताइए क्या आंसर होगा। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन जो ए है आपका शब्दों के मेल को बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंख शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। आंख शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। नेत्र, लोचन, चक्षु, अच्छे। आंख शब्द का तत्सम शब्द, सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा। तो आंख शब्द का तत्सम रूप होता है अच्छी। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है अंगुली का तद्भव रूप क्या होगा। अंगुली का तद्भव रूप क्या होगा। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि जातिवाचक संज्ञा का एक उपभेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, मूल भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, वस्तुवाचक संज्ञा। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है कि सहानुभूति का संधि विच्छेद क्या होगा। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। सहानुभूति का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शहान धन भूति। महाकाव्य में कौन सा समास है। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधार है। महाकाव्य में कौन सा समास होगा। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। महाकाव्य में हो जाएगा अव्ययीभाव समास। तो ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है कि गोदान को ग्रामीण जीवन का महाकाव्य कहने का क्या तात्पर्य है। गोदान को ग्रामीण जीवन का महाकाव्य कहने का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। सो गाइस, गुरु के समीप रहने वाला जो विद्यार्थी ये कहलाता है अंतेवासी। तो ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या बोलते हैं। अभावग्रस्त, अकिंचन, दीनहीन, महादीन। जिसके पास कुछ ना हो, तो जिसके पास कुछ ना हो उसको बोलते हैं अरकिंचन। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन, जो सब कुछ जानता हो, अज्ञ, विशेषज्ञ, सर्वज्ञ, बहुज्ञ। बताइए क्या आंसर होगा। जो सब कुछ जानता हो उसको क्या बोलते हैं। जो सब कुछ जानता हो उससे बोलते हैं सर्वज्ञ। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है
गाइस अगला क्वेश्चन है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके, अनुभूति, अंतर्यामी, गोचर, अगोचर, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसको बोलते हैं अगोचर। तो ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो बीत चुका है, वर्तमान, अतीत, भविष्य, जीवन, जो बीत चुका है उसको क्या बोलते हैं, जो बीत चुका हो उसको बोलते हैं अतीत। तो ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अंक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अंश, अंग, सखिया, संख्या, अंक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। अंक का पर्यायवाची शब्द होता है संख्या। तो ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अभ्यस्त का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, परिश्रमी, तेजस्वी, आदि, मेधावी, अभ्यस्त का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो अभ्यस्त का पर्यायवाची शब्द होता है आदि। तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है कि अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, कानन, देवदारू, अकेला, हरियाली। जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए चलें सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैं आप लोगों के सिर्फ एक लाइक की उम्मीद करता हूं, बाकी मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं मांगता हूं। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूं, अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, कानन। तो ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट। गाइस अगला क्वेश्चन है कि असुर का समानार्थी क्या होगा, पापी, भूत, राक्षस, उर्दंड, असुर का समानार्थी शब्द क्या होगा, असुर का समानार्थी शब्द होगा राक्षस। तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सहकार, स्प्रहा, प्रमाद, प्रमोद, आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो आनंद का पर्यायवाची शब्द होता है प्रमोद। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की गाइस, अगला क्वेश्चन है कि अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा, अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा, सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। तो अंगीठी का तत्सम शब्द होता है अग्निष्टिका। तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंगूठी का तत्सम शब्द क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, अंगूठी का तत्सम शब्द क्या होगा, सभी लोग आंसर बताइए। तो अंगूठी का तत्सम शब्द होता है अंगुष्टिका। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है कि अधजल गगरी छलकत जाए, कहावत का सही अर्थ क्या होगा, गगरी में छेद होना, व्यर्थ कार्य करना, अल्प ज्ञान का प्रदर्शन, दूर से पानी लाना, अधजल गगरी छलकत जाए, कहावत का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अल्प ज्ञान का प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, यथार्थ का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा, कल्पित, आदर्श, परोक्ष, पदार्थ, यथार्थ का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा, तो यथार्थ का विपरीत अर्थक शब्द होता है आदर्श। तो ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सूर्य का पर्यायवाची है, हिमांशु, अश्रु, नम्बराज, दिव्यांशु, निम्न में से कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द होगा, देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिव्यांशु। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 25 से 27 देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प, दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप है उसका चयन कीजिए, झूठा गवाही मत देना, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, झूठा नहीं होगा, झूठी होगा, झूठी गवाही मत देना। तो ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बचपन से हमने हिंदी बोला है, बोला होगा क्या होगा बताइए, बचपन से हमने हिंदी बोला, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, बचपन से हमने हिंदी बोली है, बोला नहीं होगा, बोली होगा। ठीक है, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर करें सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है, उसने नौकरी छोड़ दिया, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, छोड़ दिया, दिया नहीं होगा, छोड़ दी, यानी कि उसने नौकरी छोड़ दी,
तो ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा व्हाट्सएप नोट कर लीजिए, जो भी बच्चे हमारा लाइव टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तुरंत ज्वाइन करिए, क्योंकि एग्जाम डेट आपके काफ़ी करीब है। 83 032 45 280। यदि आप हमारा लाइव टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तुरंत ज्वाइन करिए आप लोग, एग्जाम डेट काफ़ी करीब है। नंबर को सेव कर लीजिए अपने फ़ोन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संग्राम तथा करबला किसकी नाट्य कृति है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, मोहर राकेश, जगदीश चंद्र माथुर। संग्राम तथा करबला किसकी नाट्य कृति है? मुंशी प्रेमचंद। तो ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गाइस अगला क्वेश्चन, निहार किसका काव्य संग्रह है? माधवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद। निहार किसका काव्य संग्रह है? तो निहार जो है ये महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह है। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लाइव टेस्ट जरूर ज्वाइन करें आप लोग, डेली लाइव टेस्ट होता है रात के 9 बजे। गोपाल में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, बहुप्रिय, द्विगु या फिर द्वंद्व। गोपाल में कौन सा समास होगा? देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गोपाल में हो जाएगा आपका बहुप्रिय समास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कनक कुदर केदार बीज सुंदर सुरमणि बरा, इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना हुई है? उपमा, अनुप्रास, यमक, श्लेष। सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा, देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कवि प्रिया किस रीतिकालीन कवि की रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहारी, मतीराम, घनानंद, केशवदास। कवि प्रिया किस रीतिकालीन कवि की रचना है? आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केशवदास की रचना है, ठीक है। गाइस अगला क्वेश्चन है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द है डॉक्टर, कामायनी, सुशील, बचपन। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा आपका डॉक्टर। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा काव्य संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नहीं है? अनामिका, परिमल, राग विराग, पल्लव। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, कौन सा काव्य संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नहीं है? पल्लव। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, क्रोध। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? शिशु, भक्ति, प्राण, ग्रंथ। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्राण। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में, ये तो हो गया मेरे ख्याल में शायद, जी ये हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस, पट पीत मानो तड़ित रुचि सुचि नवमी जनक सुतावर, इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना है? अतिशयोक्ति, यमक, रूपक, उपमा। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा उपमा अलंकार, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन है गाइस कि शा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, मूर्धा, दंतस्थ, ओष्ठ। शा का उच्चारण स्थान, शा का उच्चारण स्थान है तालु। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन उस व्यंजन वर्ण नहीं है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, निम्नलिखित में कौन उस व्यंजन वर्ण नहीं है? देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रासे रथ। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? जिन बच्चों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तुरंत ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, क्योंकि मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ 1 लाइक की उम्मीद करता हूं, बाकी मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं मांगता हूं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने से नई नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मेरे होश उड़ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत।